आपसे आपकी आंख का आज तक पूर्ण इलाज नहीं हुआ, ठीक है। आज आपके जो दवा खाने, मेडिकल, पतंजलि ये सब चला, तो ये आपने भी कहीं ना कहीं कॉपी किया। तीसरा, स्वामी जी आज तक आपके गुरु के विषय में आप खुलकर बताइए देश को कि आपके गुरु कौन थे। और हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा, श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम, गांव ब्रास, निसिंग, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा। ये मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं एक मंदिर में रहती हूँ और देवी माँ की कृपा से सादगी से अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। आज का जो मुख्य विषय है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, ट्रेडिंग पे या भूचाल आया हुआ है सोशल मीडिया पे, स्वामी रामदेव जी महाराज को लेकर। इधर उधर की बात ना कर, मुद्दे की बात कर। वैसे तो मेरी भी आज तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं स्वामी रामदेव के विषय में कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज स्वामी रामदेव जी ने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। हाँ, स्वामी रामदेव जी ने कहा किसी के बाप की औकात नहीं कि उनको अरेस्ट कर लें। स्वामी रामदेव जी ने ये भी कहा कि ये सब लोग भ्रम फैला रहे हैं। स्वामी रामदेव जी ने अभी नहीं, बल्कि स्वामी रामदेव किसान मुद्दे पर भी चुप रहे। हाँ, स्वामी रामदेव एक शब्द नहीं बोले। स्वामी रामदेव जब से किसान आंदोलन चला, आप देखिए गजब की बात, जिस देहात ने, जिस समाज ने, जिन लोगों ने, जिस हमारे किसान के घास से, फूस से, कणक से, बीज से, सब्जी से, फल से, बल्कि ये कहिए बिना किसान के उनका एक सांस नहीं आ सकता, जिन जड़ी बूटियों के कारण वो देश विदेश पूरी दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं, आज उस किसान के लिए वो चुप रहे। लेकिन दुकानें फिर भी चलती रहीं, स्टोर फिर भी चलते रहे, दवाइयाँ और गौमूत्र दूध से भी महंगा फिर भी बिकता रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग चुप रहे। क्यों? आप लोगों ने आम मेडिसिन से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में उस मेडिसिन को खरीदा। क्यों? आप लोग अंध भक्तों की तरह, क्योंकि भगवे का मतलब ये कहीं नहीं कि देश में गलत हो, तो ये ठेकेदार नहीं है भगवे के, ठेकेदार नहीं है धर्म के, ठेकेदार नहीं है सनातन के, ठेकेदार नहीं है आयुर्वेद के। कहाँ, जब रामदेव नहीं था तो क्या देश में आयुर्वेद नहीं था? जब रामदेव नहीं थे देश में तो क्या उपचार नहीं होता था? जब स्वामी रामदेव नहीं थे तो क्या होम्योपैथिक, ओलोपैथिक और ये सारे ट्रीटमेंट आश्रमों में नहीं होते थे? ये तो पद्धति है हमारी, धर्म और सनातन के विषय में क्या जब तक पहले बीजेपी सरकार नहीं थी, जब हमें मालूम नहीं था, सब कुछ था, लेकिन हमारी मानसिकता एक दिन गुलाम हो गई, हम मानसिक लोग गुलामी की ओर चल पड़े, सच को सच कहने की हिम्मत हम लोगों की टूट गई, क्योंकि हम सरकारों के और एक ही भाषा, एक ही स्वर, एक ही बात करने के आदि हो गए, जिसको कहते हैं भेड़ चाल। अब सुनो, स्वामी रामदेव डॉक्टरों का, नर्सों का, मेडिकल लाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री सुबह उठकर कहते हैं डॉक्टरों को सलाम, तो ये आपका दोगला जो चरित्र है, दोहरा जो चरित्र है, ये क्यों?
या तो आप भी कहिए कि तब तो आप कोरोना योद्धा कह रहे थे, तब तो आप डॉक्टरों को नर्सों को सम्मानित कर रहे थे, जब आप डॉक्टर नर्स को भगवान का दर्जा दे रहे थे, और आज आप ही के स्वामी रामदेव उनका मजाक उड़ाते हैं तो उन पर एक FIR दर्ज नहीं होती। वहीं किसी मुस्लिम धर्म का या कोई और धर्मगुरु कोरोना का उल्लंघन कर दे तो हम लोग खाने को दौड़ते हैं, आज ही उसके ऊपर 302 से लेकर सारी धाराएं लगा देना चाहते हैं। हम लोग भी विरोध करते हैं, आप लोग भी विरोध करते हो, देश का जन जन विरोध करता है। क्यों? कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव जी के ऊपर भी तो केस बनता है। आप पावरफुल हो गए तो क्या हो गया? सत्ता आपके पक्ष में हुई तो क्या हुई? कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो। बस हाँ, इतना फर्क हो सकता है किसी की मैयत के पीछे कम लोग और किसी की अर्थी के पीछे ज़्यादा लोग, संस्कार के पीछे ज़्यादा लोग, बस इतना फर्क हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी एक और बात मैं जो बोलना चाहती हूँ, स्वामी जी आपसे आपकी आँख का आज तक पूर्ण इलाज नहीं हुआ, ठीक है? आज आपके जो दवाखाने, मेडिकल, पतंजलि ये सब चला, तो ये आपने भी कहीं ना कहीं कॉपी किया। तीसरा, स्वामी जी आज तक आपके गुरु के विषय में आप खुल कर बताइए देश को कि आपके गुरु कौन थे और आपके गुरु लुप्त कहाँ हो गए, वो जल समाधि ले गए, अग्नि समाधि ले गए, वो कहाँ है आज तक, उसके विषय में नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। सच अगर मेरे जैसे लोग बोल दें तो देश में मुझे पता है बहुत सारे लोग हंगामा करेंगे, बहुत सारे लोग धर्म विरोधी बोलेंगे, बहुत सारे लोग ठाकुर विरोधी बोलेंगे, बहुत सारे लोग भगवा विरोधी बोलेंगे। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखती हूँ। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको छुपाने के लिए चुप रहूँ, कोई ऐसी मजबूरी नहीं जिसको हटाने के लिए चुप रहूँ। मैं तो इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ स्वामी रामदेव जी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात में अब की बार योगी की यानी स्वामी रामदेव की बातें कहिए, देश को आपसे उम्मीद है और देश को शायद बहुत अच्छा लगेगा। आप महिला विरोधी मत बनिए, आप किसान विरोधी मत बनिए, आप युवाओं का भविष्य उज्जवल करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री आज युवा विरोधी मत बनिए। आज लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों भारत का नागरिक, उनके बच्चे बॉर्डरों पे और उनके माँ बाप आज दिल्ली के किसान बॉर्डरों पे पड़े हैं। आज देश की जो दशा है, कुछ कोरोना महामारी से, कुछ इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से विचलित है लोग, फिर लॉकडाउन, मतलब क्या देश में हो क्या रहा है? आज भारत के अलावा देश में आप बात करेंगे अमेरिका की, वहाँ भी कोरोना आया था, भारत में भी कोरोना आया था, वहाँ वैक्सीन लगी, काम खत्म हुआ, कोरोना विदा ले गया, लेकिन यहाँ वैक्सीन भी लग रही है, लोग कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी एक वो ब्लैक और वाइट उस फंगस के बीच में जान अटक गई हम लोगों की। क्या हो रहा है देश में? आप, हम सबके पास एक साधन था, सोशल मीडिया, हम अपने मन की बात कर सकते थे। मोदी जी, हमारे पास आपकी तरह बड़े साधन नहीं है कि नेशनल, इंटरनेशनल, रेडियो, टेलीविज़न, चैनल, ट्विटर, सब इतने सारे देश के माइक हमें सुनने आए, नहीं, हमारे पास तो ये ले दे के एक फेसबुक थी। आपको ये भी नहीं पच रही? आप इतने रसालू कैसे हो सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? रामदेव जी अपनी आँख का इलाज नहीं कर पाए, रामदेव जी अपनी मतलब इतनी सारी जगत में विख्यात हो गए मेडिसिन को लेके, बहुत सारी चीज़ों के इलाज नहीं कर पाए। दुर्भाग्य के गौमूत्र इतना महंगा और दूध इतना सस्ता किसानों का, कमाल है वैसे इस देश के। तो अगर आपको ये बात सच लगती है, मुझे लगता है कि स्वामी रामदेव जी के ऊपर, मैं दिल्ली किसान आंदोलन में गई थी और मैंने जब बोला था कि ये गुरु के वो सिंह हैं, ये तलवारों वाले हैं, सलवारों वाले नहीं हैं, ये दौड़ने वाले नहीं हैं, ये दौड़ाने वाले हैं, तो बहुत हजारों लाखों लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था, करोड़ों करोड़ों वो वीडियोस लोगों ने शेयर की थी। और आज फिर कहना चाहती हूँ,
कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, वही लाल किला, वही दिल्ली, वही सरहदें, कहाँ है रामदेव जी? आप बोलिए ना, आज देश आपको याद करेगा। एक संत की भूमिका निभाइए, इस तरह से नहीं कि आप आए दिन लुप्त हो जाते हो। आप दौड़ गए सलवार पहनकर, आप हेलीकॉप्टर में देहरादून पहुंच गए। आज देश को आपकी ज़रूरत है, आपकी क्रांति की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप इस बात को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।